गुलशन आरज़ू के सहन में एक खजाए सितारी हुई है। गुलशन आरज़ू के सहन में एक खजाए सितारी हुई है। दम है घुटने लगा हसरतों का और बेख्तियारी हुई है। बहुत मजे का पराठा बनाया बहू। बहुत मजा आया आज। दूसरा बना दूं? अरे चाय मिलेगी बुआ। तुम कहाँ जा रही हो? कॉलेज। अभी भी कॉलेज? देख रही हैं बुआ, शादी में 2 हफ्ते रह गए और ये चली हैं धूप में अपना रंग जलाने। मैं तो कहती हूँ माइयों बिठा दे। हाँ तो 10 दिन में बैठ जाएगी ना मायो, पर अभी तो घर में कितने काम है, कितनी तैयारियां बाकी हैं भाई। अभी जेवर, कपड़ा और पता नहीं क्या क्या, वक्त कितना कम रह गया भाई। इतना चाह है हमारी बिटिया को बहू बनाने का कि लड़ झगड़ कर तो तारीख ले ली। अरे बस चले ना उनका तो अभी इसे ले जाए। वाकई बहुत कदर और बहुत चाव कर रहे हैं हमारी बेटी का। जाओ तो हमारे भी बहुत हैं। मेरा बस चले ना तो मैं दुनिया की हर चीज अपनी बेटी को दे। बस बेटा अब तुम कॉलेज जाना छोड़ दो, अपने लिए शॉपिंग करो, अपनी पसंद से अपने जहेज की चीजें खरीदो। आपकी पसंद से शादी कर रही हूँ, जहेज भी आप अपनी पसंद का दे दीजिए। अरे हाँ लेकिन शादी के कामों में 100 जगह तुम्हारे मशवरे की जरूरत होगी बेटा। चंद दिन जाने दे हमें कॉलेज, बाद में कर लेना पढ़ाई। तुम्हें पढ़ाई का शौक है तो उन्होंने कहा है ना कि वो तुम्हारे सारे शौक पूरे करेंगे। हमें सिर्फ ये आखिरी 10 दिन दे दीजिए, कॉलेज में एक जरूरी काम है वो पूरा हो जाए मैं छोड़ दूंगी। अच्छा बाबा, सिर्फ ये 10। थैंक यू। पानी वानी पीती रहना और धूप से बचना। अच्छा छोड़,
हाफिज बुआ। ओके बेटा, ख्याल रखना अपना बिटिया। देखो सलमा, मैं तुमसे अभी भी यही कहूंगी कि तुम प्लीज आतिफ से शादी मत करो। सिकंदर नहीं तो कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। मैं उसे ढूंढ लाऊंगी। अगर वो इसी शहर में है तो उसका पता लगाना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। फिर क्या करूंगी? मैं उसे बताऊंगी कि उसके जाने से क्या कयामत टूटी है। तुम्हारी शादी आतिफ से हो रही है और वो फिर भी ना आया तो? अगर उसे मेरी परवाह होती ना तो पहली मर्तबा धोखा ना देता। वो कहता था मुझे तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ सकता हूँ। देखो छोड़ दिया उसने, सब कुछ छोड़ दिया है, कॉलेज तक नहीं आ रहा, शायद मुझे भी छोड़ दिया। तुम फिक्र मत करो, मैं हार नहीं मानूंगी, कहीं ना कहीं से उसका पता लगा लूंगी। मैं तुम्हारी शादी आतिफ से नहीं होने दे सकती। सालों से जहेज इकट्ठा कर रही हूं मैं सलमा का। जहां कहीं अच्छा कपड़ा देखती थी ना फौरन संभाल लेती थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक से एक कपड़ा है, एक से एक। हाँ तो और क्या। अरे मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। हाँ ये अतलस देखिए आप, कैसा नफीस अतलस है, अब कहाँ मिलता है बाजार में ऐसा। माशाल्लाह, देखो हाथ रखो तो हाथ रख रहा है। हाँ। सलमा बेटा आओ, देखो ना तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे कपड़े जमा करके रखे हैं। और ये देखिए सलमा, ये शिफॉन देखो, तुम्हारे अब्बा फ्रांस से लेकर आए थे। मैंने तो उनको उसी दिन कह दिया था, मैंने कहा मैं सलमा का जोड़ा बनाऊंगी, जहेज में रखूंगी। ये तो प्योर शिफॉन है, देखो हाथ में आ जाएगी पूरी की पूरी। रंग कितना खूबसूरत है। सलमा बेटा आओ ना। अरे आपको अगर बेहतरीन चीज देखनी है ना तो ये सुर्ख कमफाब देखिए, ये कैसा है ना, बहुत अच्छा। मैंने सोचा है कि सलमा की शादी का जोड़ा बनाऊंगी इससे। तुम्हें ब्राइडल ड्रेस किस कलर में पसंद है? रेड। मुझे भी। पता है जब मैं छोटी थी ना, अम्मी की शादी का गरारा जिद करके पहनती थी। इतना शौक था मुझे दुल्हन बने देखने का खुद को। मुझे भी बहुत शौक दूल्हा बनने का, तो मैं दुल्हन बने देखने का। मुझे लगता है जो रेड कलर है ना, ये वो बना ही तुम्हारे लिए। कभी कभी सोचता हूँ कि कितना खुशनसीब होगा वो लिबास जो तुम पहनो। अम्मी मैं सुख जोड़ा नहीं पहनूंगी। क्या कह रही हो बेटा, क्यों नहीं पहनूंगी? मेरे लिए नहीं बना ये रंग। नहीं नहीं, तुम देखना सुर्ख रंग तुम पे बहुत उठेगा, है ना? अम्मी मैं किसी कीमत पे जोड़ा नहीं पहनूंगी, आप कोई और रंग बना ले, मुझे कोई एतराज नहीं। मगर बेटा पहले दिन तो दुल्हनें सुर्ख जोड़े में ही अच्छी लगती हैं। मुझे नहीं अच्छी लगती। अरे तहें तो लगाए ही नहीं, हम संभाल दें। आजकल के बच्चे भी ना बस। कहाँ हो तुम?
चले आओ मोहब्बत का तकाजा है, कहाँ हो तुम चले आओ मोहब्बत का तकाजा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम, तुम्हारी बेरुख एक दिन हमारी जान ले लेगी, तुम्हारी बेरुख एक दिन हमारी जान ले लेगी, कसम तुमको जरा सोचो, कसम तुमको जरा सोचो कि दस्तूरे वफा क्या है, कहाँ हो तुम चले आओ मोहब्बत का तकाजा है, ना जाने किस लिए दुनिया की नजरें फिर गई हमसे, ना जाने किस लिए दुनिया की नजरें फिर गई हमसे, तुम्हें देखा तुम्हें चाहा तुम्हें देखा तुम्हें चाहा, कुसूर इसके सिवा क्या है, कहाँ हो तुम चले आओ मोहब्बत का तकाजा है। मुझे अभी भी उम्मीद है कि सिकंदर मिल जाएगा। तुम्हें पता है मैं रेडियो स्टेशन गई थी उसका पता करने, वो वहां नहीं था और वहां उसने अपना एड्रेस भी हॉस्टल का दिया था। छोड़ के आया मुझे, समझे अब नहीं आएगा तो ना आए, मैं जाऊंगी उसके पास। मगर मसला यह है कि किसी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने उसके दोस्तों से पूछा, कोई कुछ भी नहीं जानता और ना वो कहीं आता जाता था सिवाय किताबें खरीदने के। किताबें खरीदने आज सरप्राइज लेने के लिए जाता था वहां। आप लाया हूं तुम्हारे लिए, जरूर पढ़ना। को घर जाके पढ़ना। मुझे खत लिख रहे हो? दो दिन बाद किताब वापस चाहिए मुझे। सिर्फ किताब? किताब में जवाब, जवाब ला जवाब। कल एक और किताब लेकर आऊंगा, जवाब तैयार है।
भाई मैं तो अपने सारे अरमान पूरे करूंगी, इकलौता बेटा है मेरा। तो हमारी भी तो इकलौती बेटी है, धूमधाम से शादी करेंगे इंशाल्लाह। इसके अब्बा का तो बस नहीं चलता कि तारे तोड़ लाएं अपनी बेटी के लिए। ये सब कुछ इसी का है, हक है। अरे कुरैशी साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, इसीलिए तो मैंने दोनों की टिकटें बुक करवा दी। मैंने सोचा कि भाई अगर हनीमून मनाना है तो क्यों ना फिर लंदन या स्विट्जरलैंड में 5-star होटल में बुकिंग करवाइए दोनों जगह। देखा ऐसे मनाते हनीमून। आपने ये सेट देखे, मैंने 2 डायमंड के और 2 गोल्ड के बनवाए हैं। चल लगता है हर आर्ट स्टूडेंट को पेरिस का लूव म्यूजियम तो जरूर देखना चाहिए, है ना? तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रहा है ना, तुम पेरिस जरूर जाना। जाऊंगा लेकिन अकेले नहीं जाऊंगा, साथ मिलके देखेंगे दुनिया के सारे म्यूजियम, सारी आर्ट गैलरीज। चलोगे? उड़ूंगी। अच्छी लग रही है वो पेंटिंग सामने, बेटी है सब इसी का तो है। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं सब सोने के सेट बनवा रही हो, इन्होंने भी एक डायमंड का सेट बनवाया इसके लिए। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू अपनी शादी में बहुत खूबसूरत लगे, बहुत ज्यादा। माशाल्लाह से वैसे ही इतनी प्यारी है तो ये पहन के 4 चांद लग जाएंगे। मैं तो अपना सारा जेवर सलमा को दे रही हूँ। बहू के लिए कुछ नहीं छोड़ना है। अरे बहुएं कहाँ उस्मान से पहनती हैं जैसे बेटियां पहनती हैं। क्यों सलमा? इसे वो सेट दिखाओ जो मैंने ऑर्डर किया है। अरे हाँ भाई, ये कह रहे थे कि तुम्हारा तो सारा जेवर सोने का है, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ मॉडर्न ज्वेलरी भी बनवाऊंगा। ये देखो माशाल्लाह, ये डायमंड का सेट बनवाया तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे लिए। कैसा है, अच्छा लगा? अच्छा पता, फरहत बता रही थी कि उसने कोई 8 सेट डाले हैं हमारी सलमा को, और माथा पट्टी मैंने बनवाई है, झूमर वो डाल देंगी। माशाल्लाह छोटे बड़े सेट मिल मिला के काफी ज्वेलरी हो जाएंगे हमारी बच्ची के पास, और होनी भी चाहिए, नई नवेली दुल्हन को तो सज बन के रहना चाहिए ना। इंशाल्लाह चूड़ियां हैं, सब सभी चीजें आ गई हैं। मुझे तो ये सेट बड़ा पसंद है, हमारी सलमा बहुत प्यारी लगेगी ये पहन के इंशाल्लाह। सलमा मुझे कोई खुश नहीं लग रही। भाई शादी के दिनों में सभी बच्चियां उदास हो जाती हैं, माँ बाप का घर छोड़ना आसान थोड़ी होता है, दुख तो होता है ना। लेकिन उसका दुख कुछ और है, वो इस शादी से ना खुश है। उसने तैयारियों में कोई दिलचस्पी नहीं ली, वरना लड़कियां तो ये कपड़े ये जेवरात देख के इतनी खुश होती हैं। हाँ वो लड़का नहीं आया ना जिसे सलमा पसंद करती थी, वादा करके भी नहीं आया, सलमा को तोहीन महसूस हुई होगी ना। वैसे तो अच्छा नहीं आया, उसके लायक था भी नहीं। वो तो अच्छा हुआ लेकिन अब आगे क्या होगा? इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छा होगा। आपने देखा नहीं फरहत कितने चाव कर रही है हमारी सलमा के लिए, भाई हनीमून के लिए लंदन भेज रहे हैं। आप वहम ना करें, सब ठीक होगा इंशाल्लाह, बहुत कदर करेंगे वो हमारी बेटी की इंशाल्लाह, देखिएगा। आज मेरा कॉलेज में आखिरी दिन है। कल से नहीं आओगी तुम? कल से मायों बैठ जाऊंगी, इतने दिन इस सास पे आती रही कि शायद वो आ जाए, लेकिन वो नहीं आया।
मेरी मोहलत खत्म हो गई। अच्छा नहीं किया सिकंदर ने, मिल जाए ना कहीं जान से मार दो। थैंक यू सो मच, तुम्हें बहुत साथ दिया है, हर मुमकिन कोशिश की है उसे ढूंढने में। पर क्या है ना दोस्त, किस्मत का लिखा पूरा होकर ही रहता हूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि तुम्हारी शादी आतिफ से ना हो, फिर भी ये हो रहा है। ये पेंटिंग भी पैक कर दे, मैंने बाकी रख दी, इन सबको स्टोर में रख दी चाहिए। ठीक है। अच्छा वो ये डिब्बा भी दे दो मुझे, तो मैं लिखवा दूं वहां पे स्टोर में। ऐसे मैं साथ लेकर जाऊंगी। खत में मेरी सलमा क्यों लिखा? इसके अलावा कुछ और लिख ही नहीं सकता था। सलमा मेरे अलावा और किसकी हो सकती है? और अगर किसी और की हो गई तो? जो बात हो ही नहीं सकती उसके बारे में क्यों सोचूं? सब कोई माइका लाल पैदा ही नहीं हुआ जो मेरी सलमा को मुझसे अलग कर सके। हम कभी जुदा नहीं होंगे। नहीं सकते।
सलमा सलमा क्या है ऐसा, सलमा में क्या तुमने उसे अपनी जिद बना ली है। सिकंदर मर मिटा था ना उस पे, तो फिर उसी की होकर रहती। आतिफ से शादी क्यों कर ली? आतिफ से तो मैं मोहब्बत करती थी। मुझे यूं तड़पने के लिए छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया। सलमा आतिफ के लिए हाँ ना करती तो आतिफ मुझसे शादी कर लेता, अपना घर तो आबाद कर लिया सलमा ने, मुझे बर्बाद कर गई। मैं भी उसे उसी तरह तड़पाऊंगी। कभी तो आएगा सिकंदर, मैं सिकंदर को छीन लूंगी सलमा से।
कितना तड़पेगी सलमा जब देखेगी कि मैं और सिकंदर शादी करने वाले हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी सलमा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारी बारात आने वाली है, कुछ देर में लोग आ जाएंगे निकाह के लिए। इससे मेरे पास एक खबर है तुम्हारे लिए। सिकंदर वापस आ गया। नहीं नहीं, असल खबर ये नहीं है। खबर तो ये है कि सिकंदर ने मुझे प्रपोज किया। मेरे पास एक खबर है तुम्हारे लिए। सिकंदर वापस आ गया।
असल खबर ये नहीं है, खबर तो ये है कि सिकंदर ने मुझे प्रपोज किया। मैं ग्रीन हूं।